फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो यार प्रीवियस वीडियो में आपने डिस्कस करा एस्केप सीक्वेंस, वॉलरस ऑपरेटर, सेप पैरामीटर एंड एंड, तो ये सारी की सारी चीजें आप देख चुके हो, आपको आप इससे फैमिलियर हो चुके हो। ओके तो अब हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है टाइप कास्टिंग। अगर जिसने जावा सी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि भाई टाइप कास्टिंग होती क्या, और जिन्होंने नहीं भी पता है तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई टाइप कास्टिंग होती क्या है। जैसे कि हमारा कीवर्ड था, वेरिएबल्स थे, जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हर लैंग्वेज में लाए करते हैं, स्किप सीक्वेंस भी हर लैंग्वेज में, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हर लैंग्वेज में लाया करता है। इसका नाम है टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब अपने नाम से ये स्पेसिफाई कर रहा है भाई कि टाइप टाइप टाइप, तो टाइप किसका होता है, टाइप डेटा का होता है, डेटा टाइप्स। तो टाइप कास्टिंग का मतलब है कि अगर आप एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो तो उसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। ओके लाइक इंट टू फ्लोट, स्ट्रिंग टू इंट, इस तरीके के कन्वर्जन। तो देखते हैं ये कितने टाइप से पॉसिबल है या नहीं है, आप किन डेटा टाइप को टाइप कास्ट कर सकते हो, कितनों को नहीं कर सकते हो, तो ये चीज हम आज डिस्कस करेंगे। प्लस ये दो टाइप के होते हैं, टाइप कास्टिंग को हमने दो टाइप में डिवाइड करा, एक को हमने बोला इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरे को बोला एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि जो हमारी मशीन है या फिर जो हमारा इंटरप्रेटर है या हमारा जो कंपाइलर जो अपने आप से परफॉर्म कराता है, जैसे कि मैंने क्या करा, दो वैल्यू इनपुट कराई। अब जब मैं दो वैल्यू इनपुट कराऊंगा उस अपने इंटरनली सॉल्व होके मुझे किसी और टाइप का डेटा रिटर्न करेगी, जैसे मैंने इंट दिया है मुझे आउटपुट में फ्लोट मिल रहा है। ओके तो ये क्या होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, मैं अभी आपको इसका एग्जांपल दे दूंगा। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, जो यूजर अपने अकॉर्डिंगली डेटा को चेंज करता है, मैनिपुलेट करता है किसी डिफरेंट टाइप में। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप इनपुट फंक्शन का यूज करोगे तो वो आपको किस तरह का डेटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग, बट अगर आप उसे इंट लगा देते हो या फ्लोट लगा देते हो तो आप यूजर से सिर्फ स्पेसिफिक टाइप का डेटा ले सकते हो, तो दिस इज योर टाइप कास्टिंग। तो अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को भी और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को भी। तो अगर मुझे इम्प्लिसिट आपको दिखानी है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, 2 सेकंड लगेगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या करा, सिंपल 78/23 या 3 भी कर लो। देखो मैंने डाला तो इंटीजर था बट मुझे रिटर्न में फ्लोट मिला, मुझे कैसे पता भाई ये फ्लोट है, क्योंकि उसके जो पीछे देखो 0.0 लगा है, तो क्या था मुझे फ्लोट रिटर्न हुआ। तो इससे मुझे पता चला कि भाई ये क्या हुआ, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट हो गया, इंटीजर सॉल्व करके मुझे फ्लोट रिटर्न कर रहा है, ये क्या था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होती है और कितनी तरह से हो सकती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया, अब मैं आपको बेसिक बेसिक से फंक्शंस परफॉर्म कराना सिखाता हूँ कि टाइप कास्टिंग करते कैसे हैं। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू लिया, मैं ट्राई करूंगा सबसे पहले कन्वर्ट, मैं सिंपल लिख रहा हूँ इंट टू फ्लोट कमेंट में कि भाई अगर मुझे इंट टू फ्लोट करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो मैंने एक वेरिएबल में सेव करा लिया, क्या मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है इंट को, तो मैंने लिखा फ्लोट, फ्लोट फंक्शन को कॉल करा, उसमें इंटीजर वैल्यू पास कर दी जो कि मेरी ए में थी। आप बिना वेरिएबल यूज करे भी कर सकते हो बट मुझे आप लोगों को शो कराना है तो इसलिए मैं वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो बी, ओके, और मैंने यहाँ पर बी को प्रिंट करा, उसका टाइप भी प्रिंट कराया कि भाई बी का टाइप बताओ। तो देखो जैसे कि मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा मुझे यहाँ पर पता चल गया कि बी का टाइप क्या हो गया, फ्लोट हो गया। दिस इज योर टाइप कास्टिंग। मैं देखता हूँ इंट टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ये अगेन सी इक्वल्स टू में वही सेम कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉल कराया और उसमें मैंने क्या पास कर दिया ए विच इज माई इंटीजर देन प्रिंट सी। देखो यहाँ पर जो मैंने सी और उसका टाइप प्रिंट कराया मुझे आउटपुट में मिल जाएगा क्या कि भाई ये कॉम्प्लेक्स अपने अकॉर्डिंगली इसने क्या करा यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दी डेटा की। ओके देखो इंट टू फ्लोट भी हो गया और इंट टू कॉम्प्लेक्स भी हो गया, और इसके अलावा भी आप काफी सारे फंक्शन पढ़ चुके हो, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, लाइक ऐसे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। बाइनरी के लिए आपको बिन लिखना है, ये भी आपका एक तरह का टाइप कास्टिंग है, आप इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो। ओके ऑक्ट पढ़ चुके हो आप, ये सब चीजें आप कर चुके हो गाइस, पहले वाले कोड में आपको मिल जाएगा ये। ओके आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, ओके ऑक्ट या क्या आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, तो ये सारी की सारी चीजें आप कर चुके हो जितना आपको पहले बता चुका हूँ। ओके तो अभी मेजर वाले देख लेते हैं कि भाई ये सारे के सारे क्या है, ये क्या हुआ इंट टू फ्लोट इंट टू कॉम्प्लेक्स, आगे देखते हैं। ओके इंट का तो यही था न्यूमरल कन्वर्जन जो आप कर सकते थे, अब देखते हैं क्या मैं इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। नाउ इंट टू str, ओके देखते हैं here it's d which is equals to str of a, अब देखते हैं
डी एंड टाइप ऑफ डी। देखो अब मैंने पास कर दिया है डी कॉमा ओके। तो देखो यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो या स्ट्रिंग है बट इट इज नाउ इट्स नॉट अ 12। अब ये क्या है, वन और टू कैरेक्टर बन चुके हैं ये। अब अगर आप इसमें और प्लस कराओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो अगर मैं लिखता हूँ डी प्लस फाइव, नॉट पॉसिबल। क्या बोल रहा, स्ट्रिंग है, कॉन्केट हो सकती है, प्लस नहीं हो सकती। बट यहीं पर मैं करता हूँ ए प्लस बी, इट इज पॉसिबल, वो स्ट्रिंग बन चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये कन्वर्जन क्या है। तो अभी मैंने बेसिक से कराए हैं, ये पॉसिबल है। इंट टू फ्लोट, इंट टू कॉम्प्लेक्स, इंट टू स्ट्रिंग। ओके अब हम देखते हैं फ्लोट के लिए। ओके मैं करने जा रहा हूँ फ्लोट टू इंट। ओके देखो फ्लोट टू इंट करने के लिए क्या करूंगा मैं, मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू है यहाँ पर, बी में तो फ्लोट ही है, तो मैंने यहाँ पर लिखा ई विच इज इक्वल में इंट ऑफ बी। मैं फिर से उसे इंट बनाना चाहता हूँ, देखते हैं प्रिंट ई। सो गाइस एक चीज आपको ये याद रखना है हमेशा कि भाई आपका कभी डेटा लॉस नहीं होता है। कभी भी आपकी मशीन ये नहीं करेगी कि आपका डेटा लॉस हो। अगर मैं किसी फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करूंगा तो वहां पर मेरा डेटा लॉस पॉसिबल है। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो अगर 2.5 को मैं इंट में कन्वर्ट करूंगा तो ऑब्वियसली वो मेरा 2 ही बनेगा, यार 2 या 25 तो बन नहीं सकता। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ई जो कि क्या था मेरा सिंपल सा एक फ्लोट वैल्यू था फ्लोट वैल्यू, वो मेरी इंट में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर देता लाइक सपोज ई में मैं कुछ एक वैल्यू दे देता लाइक इसकी जगह बी की जगह मैंने यहाँ पास कर दिया 25.2। अब देखते हैं, देखो ये भी यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। ओके फ्लोट वैल्यू भी यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, बट यहाँ पर डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। देखो यहाँ पर मेरा जो 0.2 था वो लॉस हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर मेरा जो 0.2 था वो लॉस हो गया है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो मेरी मशीन होती है बहुत कम ऐसा चांसेस होते हैं कि जो डेटा को लॉस करे। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्राई टू लॉस डेटा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ओके चांसेस नॉट ट्राई, यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं, ओके चांसेस टू लूज डेटा। जैसे कि मैंने पॉइंट को लूज कर दिया है। ओके आगे देखते हैं, मेरा क्या इंट टू फ्लोट भी हो रहा है, फ्लोट टू इंट भी हो रहा है, ये कन्वर्जन मेरे यहाँ पर हो रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर मेरे पास सपोज करो कॉम्प्लेक्स है, तो मैं अब ट्राई करूंगा कॉम्प्लेक्स टू इंट और फ्लोट दोनों ट्राई करूंगा। तो कॉम्प्लेक्स मेरा किसमें सेव है, देखो यहाँ पर सी में ये हो गया, एफ में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इंट ऑफ सी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को इंट में या फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो इंट ओके, और यहाँ पर सिंपल एफ पास करते हैं कॉमा टाइप ऑफ एफ, नाउ रन दिस। देखो कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट, फ्लोट में भी नहीं होगा। ओके फ्लोट में भी नहीं होगा। ओके तो लिख फायदा नहीं है, चलो लिख देते हैं, फायदा नहीं है तो क्या वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए फ्लोट। और मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर डेटा लॉस ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर तो क्या हो, पॉइंट समथिंग में डेटा जाएगा, चलो वो कंसिडरेबल है, वो इस तरह से आप मान लो इस चीज को। ओके बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इमेजनरी वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है और बाकी कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ भी हो सकती है, तो इसीलिए मैं उसे लॉस नहीं कर सकता हूँ। ओके जो भी मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मशीन कम से कम ऐसा होगा कि डेटा को लॉस करने के लिए ट्राई करे, यहाँ पे डेटा ज्यादा लॉस हो रहा है तो इस वजह से मेरा कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ओके तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर एफ वन लिखा, पहली बार तो ऊपर वाला ही नहीं चलेगा तो इंट में नहीं हो रहा, और अगर मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, सॉरी इसे मैं कॉमेंट कर देता हूँ, लेट मी कमेंट इट एफ वन एंड दिस। ओके देखो यहाँ पर क्या, फ्लोट में भी नहीं हो रहा है, तो दिस कंप्लीट पोर्शन इज नॉट पॉसिबल। मैं इसे कमेंट करके लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके कि डेटा लॉस हो सकता है, जो इमेजिनरी वैल्यू है कुछ भी हो सकती है। बट गाइस इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से देखना, क्या स्ट्रिंग ले लेते हैं, न्यूमेरिक स्ट्रिंग। ओके मैंने लिखा 1 2 3 ओके 0.25 ओके। न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, इसमें क्या आप इंटीजर भी मान सकते हो, इसे फ्लोट भी मान सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसे कन्वर्ट करता हूँ नॉट ए, इसे आप एक्स कर लो, एक काम करते हैं क्योंकि ये मैंने ऊपर यूज करा है, एक्स प्रिंट एक्स कॉमा
टाइप ऑफ एक्स, अभी के लिए आपको पता है इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ, इसे किस में कन्वर्ट करता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ गाइस, कोई वेरिएबल यूज नहीं करूंगा मैं अब। ओके प्रिंट सिंपल इसे मैं करूंगा स्ट्रिंग टू इंट, स्ट्रिंग टू इंट, तो मैंने इंट में पास करा सिर्फ एक स्ट्रिंग को। ओके आपको क्या मिलेगा, देखो क्या बोल रहा है, इनवैलिड लेटर फॉर इंट विद बेस 10, बोल रहा भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्या है। अब मैं इसे कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि डॉट इसके लिए कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, एक वेक्टर है। बट अगर मैं यहाँ पर पास करता फ्लोट, आप देखते हैं देखो। ओके जैसे मैंने फ्लोट पास करा ये समझ गया कि हाँ यार ये फ्लोट है, ये डॉट क्या है, फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या है, फ्लोट है। ठीक है, बट जैसे कि ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, ये स्ट्रिंग में फ्लोट वैल्यू थी। ओके तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा इजिली। अगर मुझे कोई न्यूमेरिक स्ट्रिंग मिल जाए, न्यूमरल मतलब एक्स वन में, जैसे कि ये हो पॉसिबल लाइक दिस, इसमें कोई भी डॉट नहीं लगा है, तो आप देखोगे तो प्रिंट एक्स वन का टाइप, ये भी एक स्ट्रिंग है, इसमें टाइप करके इसलिए आपको इतना दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। अब मैं इसे भी टाइपकास्ट करने की कोशिश करता हूँ, str to int, अब देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है, int of x1। तो गाइस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी हमारा पॉसिबल है यहाँ पर। क्या हुआ, पहले इसलिए नहीं हो रहा था वो इंट में क्योंकि डॉट इज जस्ट अ कैरेक्टर। ओके तो मेरा ये समझ नहीं पा रहा था, तो ये यहाँ पर पॉसिबल है अगर कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या स्ट्रिंग में अगर आपके सारे के सारे डिजिट्स होंगे तो पॉसिबल है। बट अगर आप सोचो कि यहाँ पर आप ए पुट कर दो या कुछ ऐसे कैरेक्टर पुट कर दो, तो ये हम कभी भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ओके ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपकी न्यूमरल स्ट्रिंग्स के लिए पॉसिबल है, न्यूमरल में फ्लोट और इंट आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो आप लोग, ओके कि आपका कोई भी, जैसे कि ये पॉइंट है मैंने यहाँ पर आप पहले कमेंट में लिख दिया है, काफी लंबा हो गया है, यहाँ से इसे ब्रेक कर लेते हैं। ओके ये रहा, ओके ठीक है, मैंने इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग इनटू इंट और फ्लोट, भाई किसी भी नॉर्मल स्ट्रिंग को आप नहीं कर सकते, बट इफ एनी न्यूमरल बाइंडिंग इनटू स्ट्रिंग देन वी कन्वर्ट इट इनटू इंट एंड फ्लोट इजीली। ओके तो आपको इससे याद रहेगा, मैंने कमेंट में डाल दिया, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस ये तो बात थी किसकी, नॉर्मल कन्वर्जन्स की, लाइक आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। बट अगर आपके सीक्वेंस आ जाते हैं तब क्या होगा, तो भाई सीक्वेंस का भी टाइप कन्वर्जन होता है, देख लो मैं एक दो दिखा देता हूँ आपको, बाकी सारे भी वैसे ही होते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ लिस्ट टू टपल, ओके लिस्ट टू टपल, अब सीक्वेंस में आपका स्ट्रिंग भी आ जाता है तो वो भी देख लेंगे हम। ओके मैंने यहाँ करा एल वन में एक लिस्ट बना ली है, कुछ एलिमेंट डाल देते हैं इसमें, रेंडमली मैंने भी पुट कर दिए एलिमेंट्स। ओके अब देखते हैं अगर मैं इसे टपल में टाइप कास्ट करता हूँ, तो सबसे पहले प्रिंट l1, ओके एंड हियर l1 को मैंने प्रिंट कराया और उसका टाइप भी प्रिंट करा लिया। ओके टाइप ऑफ l1, देखते हैं क्या आएगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही है तो स्ट्रिंग ही आएगा। ओके सॉरी स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, इट्स लिस्ट। मैं इसे टाइप कास्ट करता हूँ प्रिंट लिस्ट टू टपल, ओके मैंने क्या करा टपल फंक्शन को कॉल कराया और उसमें क्या पास कर दिया, आपने की लिस्ट पास कर दी। देखो ये यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि भाई ये क्या एक टपल है, ये क्या एक टपल है। अगर आप चाहो तो इसका टाइप भी चेक कर सकते हो, मैंने इसे किसी वेरिएबल में सेव नहीं कराया है। ओके तो मैं क्या करता हूँ इसे कंप्लीट को पास कर देता हूँ टाइप फंक्शन में, इस तरीके से ये भी पॉसिबल है पास टपल। ओके अब अगर आप सोचो कि यार मैं लिस्ट को क्या स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर सकता हूँ, तो देखते हैं। ओके लिस्ट टू str स्ट्रिंग, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। बस सिंपल str लिखना है मुझे और क्या पास करना है l1। आपको क्या लगता है कैसे आएगा आउटपुट, अगर आप सोच रहे हो ये पूरा एक स्ट्रिंग में बन के आएगा, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है, गाइस ये आपकी लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रिंग है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। ओके अगर आपको इसे चेक करना है तो यहाँ पर जाओ इसे str में कॉल करा लो, नॉट str फंक्शन में कॉल करा लो, आपको पता चल जाएगा टाइप ऑफ str ऑफ l1। ओके आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई ये पूरी एक स्ट्रिंग है, मतलब इसके साइड में कोट्स लगे हुए, कोटेशंस लगे हुए, अभी आपको विजिबल नहीं है, ये बस पूरा एक एलिमेंट बन गया है यहाँ से यहाँ तक।
ये तो लिस्ट और टपल थी, बट अब ये क्या बन गया, पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन गया है। अगर आपको अभी भी अच्छे से नहीं समझ में आया तो इस तरीके से देखो, लाइक मैं यहाँ पर लिखा एक्स इज इक्वल टू योर सिंपल सी स्ट्रिंग, मैंने लिखा हेलो, इट्स नॉट इक्वल, इट्स हेलो पाइथन, हेलो पाइथन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप कास्ट करता हूँ प्रिंट, या फिर एक्स वन में इसे असाइन करा के तब करता हूँ लिस्ट ऑफ एक्स। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये टाइपकास्ट हो चुकी है और मुझे लिस्ट में आउटपुट मिलेगा, और आपको अच्छा लगेगा कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग आए हैं। एक्स ये क्या बनी है, एक लिस्ट, ये देखो एच ई एल एल ओ पी वाई टी एच एन पाइथन, ओके कूल। अब अगर मैं ट्राई करता हूँ, नाउ जो लिस्ट है ए एक्स वन, ओके लिखा ए एक्स टू इक्वल टू में लिस्ट ऑफ ए एक्स वन, ओके यानी कि क्या हुआ, मैंने अगेन जो स्ट्रिंग बनी थी उसे किसमें कन्वर्ट करना चाहा, एक सेकेंड, हाँ स्ट्रिंग में, सॉरी जो लिस्ट बनी थी उसे मैं लिस्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, मुझे स्ट्रिंग में, मतलब उल्टा, जो मेरी स्ट्रिंग थी जिसे मैंने लिस्ट बनाया था, मैं उस लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मतलब जो पहले थी हेलो पाइथन वो बनाना चाह रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? सो गाइज ये पॉसिबल नहीं है, पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यही चीज मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। एक्स टू देख, एक्स टू कॉमा टाइप ऑफ एक्स टू। सो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो देखो आपको क्या लग रहा है कि भाई ये पूरी एक लिस्ट है, देखो दोनों सेम है, ये अगर ये स्ट्रिंग बनती तो इसे ऐसा बनना चाहिए था, कहाँ गई आपकी, लाइक दिस हेलो पाइथन एक्स की तरह, ऐसी क्यों नहीं बनी? अब क्या हुआ होगा, यहाँ पर डबल कोट्स लग गया और ये सारे अलग अलग कैरेक्टर है, ये भी एक 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 कैरेक्टर है, कुछ इस तरीके से। अगर आप लेंथ चेक करोगे ए एक्स टू की तो आपको पता चलेगा कि वो कितने 60 एलिमेंट्स बता रहा है, कितने सारे के सारे कंसिडर कर रहा है। और अगर आप लेंथ चेक करोगे एक्स वन की, जो कि क्या एक लिस्ट है, तो वो कितने कैरेक्टर बताएगा, 12, 12, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें ये अलग कैरेक्टर है, कॉमा अलग है, ये एन अलग है, फिर ये कॉमा अलग है, ये आपका जो ऊपर ब्रैकेट है कोटेशन है ये अलग है, तो इस तरीके से तो आपका जो टाइप कास्टिंग होती है वो डेटा को टाइप कास्ट तो कर रही है, बट देखिए किस तरह से कर रही है, ये क्या था आपकी पूरी की पूरी टाइप कास्टिंग ऑपरेशन जितने भी मैंने आपको बताया, प्लस आप जो भी अभी तक करते आए हो इनटू टू फ्लोट, ओके आपने यूजर से इनपुट लिया, फ्लोट में लिया, स्ट्रिंग में लिया, वो भी क्या है, सिंपल टाइप कास्टिंग है। प्लस इंट टू आपने अभी किस में करा, टपल, इस तरह सेट में कर सकते हो आप, ओके रेंज फंक्शन को आप लिस्ट में टाइप कास्ट कर सकते हो। तो जैसे कि ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि भाई टाइप कास्टिंग होती ही क्या है, ओके अगर आपको आगे देखना है तो आगे फर्दर वीडियोज में मैंने सारी की सारी चीजें यूज कर रखी है, जब हमने एक अच्छे लेवल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी आगे चल के एक्सरसाइज एंड ऑल में, प्लस जब आपका इंटरमीडिएट लेवल आएगा तब आप इन सब चीजों की ज्यादा से ज्यादा वहां पर यूजिबिलिटी देख पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम यूटिलिटी मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया आप अच्छे से उसे रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन आपको अभी यहाँ फ्लैश हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।